दोस्तों, स्वागत है आपका सम्राट की आवाज में। दोस्तों, कि हमारा ये लेसिक सर्जरी के ऊपर तीसरा वीडियो है, जिसके मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया कि लेसिक सर्जरी क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था लेसिक सर्जरी कब कैसे करानी चाहिए, और इसमें मैं बताऊंगा इस वीडियोज में, उसी सीरीज के इस वीडियो में आपका मैं बताऊंगा कि सर्जरी के लिए क्या क्या जरूरी होता है और क्या क्या पात्रता होती है जिसमें आप लेसिक सर्जरी करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पात्रता के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। अगर आप लेसिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, आई लेसिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए एक प्रॉपर आपके पास एक कोई वजह होनी चाहिए जिसके आप चश्मा हटाना चाहते हैं, या फिर बिना वजह के भी आप अगर चश्मे से बोर हो चुके हैं और आप अपना नंबर हटाना चाहते हैं प्रॉपर समय से के लिए, या फिर हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, तो आप इस सर्जरी के लिए प्रिपेयर आप हैं। तो दोस्तों, इस सर्जरी के लिए आपकी उम्र 18 से 40 होनी चाहिए और आप किसी भयानक बीमारी से ग्रसित ना हो। भयानक मतलब कि ऐसी बीमारी, शुगर वगैरह, या फिर जैसी कुछ बीमारी से ग्रसित ना हो, आप नॉर्मल उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए कोई खास व्यक्ति चुनाव नहीं कर सकता, किसी ऐसा नहीं है कि कुछ ब्लड ग्रुप के लिए सर्जरी मुमकिन है, कुछ ब्लड ग्रुप के लिए सर्जरी मुमकिन नहीं है। तो ये सर्जरी सभी ब्लड ग्रुप के लोग करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर एक इंसान या एक ब्लड ग्रुप के लिए ये नहीं बना है। दूसरी बात, सर्जरी का कॉस्ट कितना आता है। तो सर्जरी कॉस्ट में आपके सर्जरी बेसिक से लेके और लेटेस्ट तक का है। तो कोई भी वीडियो मैंने जब देखा था, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, जब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं जब इस बारे में देख रहा था, तो कोई भी या फिर यूट्यूब वीडियो कह लें या फिर कोई भी साइट कह लें जिसमें प्रॉपर मेंशन कोई भी कंपनी या फिर कोई भी हॉस्पिटल या फिर हमारे पिस्टिन केयर वाले कोई भी एक प्रॉपर अमाउंट सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर उसके बारे में नहीं कहीं बताया जा रहा था, नहीं कहीं दिखाया गया, जिसके बारे में मैंने कई बार जांचने की कोशिश की, तो जिसके कारण मुझे भी बहुत कंफ्यूजन समझ में आ रही थी। जब आप पिस्टिन केयर या फिर किसी भी कंपनी या फिर हॉस्पिटल से जुड़ेंगे या फिर उससे बात करेंगे, तो जिस आपके जब आप वहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप जो चेकअप होता है, उस चेकअप को कराने के बाद जब आपको कंफर्म कर लिया जाता है कि हाँ आप उसके चेक मतलब सर्जरी के लिए प्रॉपर एक्टिव हैं, आप तैयार हैं, या फिर आपकी सर्जरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, जिसमें आपके कॉर्निया का या फिर आपकी आंखों का पूरी एक मैप तैयार किया जाता है, पूरे डॉट्स तैयार किया जाता है, इसमें 1600 से 3200 डॉट आपके पूरे आंखों का मतलब कॉर्निया का पूरा एक नक्शा बनाया जाता है कि किस प्रकार है और उसमें क्या कमी है, जिस कमियों को ठीक करना है, जिसके लिए आपके पास एक 2 से 3 हज़ार के बीच या समझ लीजिए कि आपका एक पूरा सेट, पूरे आपकी आंखों की जांच होगी, सारी कॉर्निया फिर सारे कोनों की जांच होगी, आंखों से रिलेटेड सारी जांच आप करके आपको कंफर्म किया जाता है कि हाँ आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर आपको कौन सा लेंस या फिर कौन सी सर्जरी करानी चाहिए, बेसिक सर्जरी से भी आप ठीक हो सकते हैं, या फिर लेटेस्ट करानी चाहिए, या फिर उससे भी हाई लेटेस्ट करानी चाहिए, या फिर बेसिक जो पिछले उपरांत जो लेसिक सर्जरी चलती आ रही है, या फिर जो लेटेस्ट सर्जरी आई है जो बेहतर से बेहतर बताए। तो ये सब बताने के लिए आपको प्रॉपर उस टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिस टेस्ट से मैं गुजरा था, और मेरा पूरा जो ऑपरेशन है, पूरी प्रक्रिया मैं पिस्टिन केयर के माध्यम से, जो कि डॉक्टर मेघा जी हैं जो कि हमसे कॉल पे हमेशा सब कुछ बताती रहती थी, और उनसे मैं स्टेप बाई स्टेप पूछ के उस चीज़ों पर तो पहुँचा, अब फिर मैं उन चीज़ों पर जान पाया उनके बारे में, तो वो चीज़ें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको सही या फिर गलत बता सकूँ, मैं वही बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ है और मैं किस तरह उस सब चीज़ों से गुजर के और मैं आज आपके सामने एकदम क्लियर विजन के साथ देख सकता हूँ, तो कब मुझे क्या करना पड़ा इसके बारे में, जो चीज़ मैं किया हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने पिस्टिन केयर संपर्क किया था और कस्टमर केयर से बात करने के बाद, मैं सारी उनके बताने के बाद मैं लखनऊ गोमती नगर में गया, जहाँ पे त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल है, जहाँ पे मुझे बुलाया गया था प्री टेस्ट के लिए। मैं वहाँ पे गया और विजिट किया, जिसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मैं इतने समय से या फिर मतलब इतने समय, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपका कोई वजह, इसकी वजह बताई गई, तो मुझसे वजह पूछा गया कि आप ये चश्मा मतलब क्यों हटाना चाहते हैं। तो उसमें पहला वजह यही पूछी गई थी कि मतलब आप आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर किसी जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप चश्मा हटवा रहे हैं, या फिर शादी में रुकावट आ रही है, या फिर जो भी आप लॉजिक समझ सकें। तो उन्होंने बेसिक सवाल किया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ चश्मा हटाना चाहता हूँ, मैं चश्मे से छुटकारा चाहता हूँ। तो चश्मे छुटकाने के बाद जब मैंने उनसे बताई, तो उन्होंने कहा कि एक
प्री टेस्ट आपका होगा जिसमें टोटल आपका आंखों की जांच होगी कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। आपकी आंखों का मतलब टेस्ट हो सकता है जिसमें आपका ब्लड ग्रुप, HIV टेस्ट, शुगर टेस्ट, मतलब समझिए कि लगभग बेसिक टेस्ट जितने भी होते हैं, बेसिक नॉर्मली आपको जो डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं आपको ऑपरेशन से पहले, वो सारे टेस्ट किए गए। जिसमें मैंने सारा टेस्ट कराने के लिए मुझे वहाँ से एक नेक्स्ट हॉस्पिटल, गर्ग हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ पे सारे टेस्ट की व्यवस्था थी। वहाँ पर टेस्ट करने के बाद मुझे उन बेसिक 3-4 लेसिक सर्जरी के बारे में बताया गया। तो जिसके मतलब जिसका नंबर जितना ज़्यादा रहता है, कम रहता है, उसके अनुसार उनको उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपको कितना समय लगेगा, कितना खर्च लगेगा। इसीलिए कोई किसी संस्था या फिर किसी भी वेबसाइट पे, मुझे पहले बुरा लगा था कि ऐसा क्यों है कि आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज तो दे रहे हैं लेकिन आदमी उसको करा पाए ना करा पाए, उसका माली हालत कैसी है उसके बारे में उसको अंदाज़ा लगा सके। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हर पेशेंट के साथ ये चीज़ें अलग तरीके से पेश आते हैं। और मतलब समस्या आपकी अलग है, आप कितने साल से दिक्कत में है, या फिर आँखों में चोट की वजह से आपको धुंधलापन दिख रहा है, या फिर मायोपिया की वजह से है, फिर या फिर आपके एक आँख में दिक्कत है, या फिर आपके दोनों आँखों में दिक्कत है। तो एक पूरा चार्ट बना के तैयार करना और फिर कस्टमर को समझाना कि इससे के बीच से इस बीच के बीच आप आएंगे तो आपका इतना चार्ज लगेगा, तो थोड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए आपको कहीं भी इसका कन्फर्म चार्ज रेट या फिर प्राइस कोई नहीं बताएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपकी समस्याएं देखी जाएंगी और आपका पूरा जांच करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको किस लेसिक सर्जरी या फिर किस स्टेप की सर्जरी के बाद आप क्लियर विजन में पा सकते हैं या फिर 6x6 आई पा सकते हैं। तो उसमें इसीलिए किसी जगह किसी भी साइट या फिर किसी भी वीडियो में क्लियर मेंशन कोई भी कंपनी या फिर कोई वेबसाइट या फिर कोई भी हॉस्पिटल क्लियर नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो खर्चा आया था कि दोनों आँखों का लेसिक सर्जरी के लिए मिनिमम अमाउंट मिले 40-42 हज़ार रुपये बताई गई थी दोनों में, जो कि बेसिक सर्जरी है। ICL जो मुझे बताया गया था कि ICL सर्जरी होगी जो कि आपका कॉमन है। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मेरे दोनों आँखों की समस्या बराबर थी या दोनों आँखों का नंबर मेरा सेम था। तो डॉक्टर ने बताया कि आप कोई भी मतलब ऑलरेडी इसके पहले कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है आपका, मतलब मेरी उम्र नौजवान था, मेरी उम्र ये है, अभी भी नौजवान हूँ, कहने का मतलब कि मेरी उम्र के हिसाब से मेरी आँखें बहुत जल्दी हील हो सकती हैं और मैं बहुत जल्दी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खर्च वाला ICL या फिर लेंस डलवाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम खर्च में भी मेरी आँखें सही हो सकती है। तो मैंने उनको सारी बार बताई तो उन्होंने ये बताया कि ICL जो आपके 42,000 के अंदर आपका हो जाएगा, जिसमें आपको छूट उट करा के कुछ मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप जो कराना चाहें, तो मेरा 38 तक हो गया। तो दोस्तों मेरी सर्जरी 38,000 के अंदर हो चुकी है और मैं आपके सामने एकदम क्लियर क्रिस्टल विजन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मेरे साथ ICL क्योंकि कोई और मेरे जैसा भाई अगर लेसिक सर्जरी के बारे में जानना चाहता हो और वो चाहता हो कि उसको इसके बारे में पता नहीं हो, लेसिक सर्जरी कहाँ से डर रहा हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा कि वो मुझसे पर्सनल भी अटैच होकर बात कर सकता है और मैं किस तरह अनुभव के साथ मैं अपना सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जिस कंपनी के माध्यम से मेरा सर्जरी हुआ उनका वीडियो, उनके यूट्यूब का लिंक और उनके वेबसाइट का लिंक और जिस डॉक्टर के अटैचमेंट के बाद मेरी सर्जरी में बहुत सहायता हुई है डॉक्टर मेघा, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे संपर्क करके अपने सारे डाउट का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इस वीडियो के अगली सीरीज के वीडियो को देख